5 दिन पहले रानी की एक बच्ची हुई थी जिसकी आज दिनांक को डॉक्टरों ने छुट्टी की। छुट्टी के बाद रानी जिला चिकित्सालय से बच्ची छोड़कर भागी। जब यह बात रानी के पति राजू सिकरवार से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी और सास की मंशा थी कि हमारी बच्ची के बच्चा हो, इसलिए रानी अपनी बच्ची को अपनी सास के पास छोड़कर चली गई। राजू की लाख समझाइश के बाद पत्नी ने एक नहीं सुनी, रानी अपनी मम्मी के साथ अपने मायके चली गई। राजू सिकरवार ने पुलिस को सूचना दी। 2 साल पहले राजू की शादी रानी से हुई थी। रानी की मंशा थी पहला बच्चा होना चाहिए, इसी को लेकर रानी बच्ची छोड़कर चली गई। मैं राजू हूँ सर, और मेरी बीवी को बच्ची हुई है, तो उसकी बीवी की माँ आई अमाइन से, तो उसने ये बोला कि बच्ची हुई है तो आप अपनी बच्ची अपने पास रखो, मैं अपनी बच्ची अपने पास ले कर जाती हूँ। तो मैं बच्ची अपनी ले जा रहा हूँ साथ में, अब जो होगा तो पालेंगे उसको। जैसे डिलीवरी कितने दिन पहले हुई थी? अभी सर 5 दिन पहले हुई थी। तो आज उनकी माँ आई थी जो आपकी सासू भी, वो लेके गई? हाँ, आज मैंने छुट्टी करवाई तो मेरी बीवी को अपने साथ लेके चली गई। क्या बोल रहे हैं? बोल रही थी कि आप अपनी बच्ची अपने पास रखो, मैं अपनी बच्ची अपने पास रखूँ। आपने रोका नहीं कि हमारी पत्नी है, आप कैसे? तो मैंने रोका उसको, तो वो बोल रही है कहीं भी रोड पर फेंक दो, लेकिन मैं नहीं ले जाऊँगी। क्यों नहीं ले जा रही थी? बच्ची पैदा हुई इसलिए? हाँ, बच्ची हुई इसलिए। मतलब आपकी पत्नी के मन में लालचा थी कि बच्चा होना चाहिए? अरे वो मेरी सासु माँ ने उसको सिखा दिया जी। आपकी सास कहाँ की रहने वाली है? अमाएं। क्या नाम है उनका? मालती। कहाँ रहती हैं? ये बारौली थाने के पास, ए अमाएं थाने के पास। उनके ससुर साहब का क्या नाम? ससुर तो पहले से ही वो हो गया मेरी शादी के पहले से, मेरे उस ध्यान में, मेरी बीवी के दादा ने शादी करी। मिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।